गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अनंता दत्ता, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। टुडे वी सी द यूनिट 7 ऑफ एमडब्ल्यूटी सब्जेक्ट डिप्लोमा 4 सेम सीएसई। हमने अभी तक के देखा पहले और दूसरे पार्ट में कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल के एलिमेंट, टैग, एट्रीब्यूट्स, उसका स्ट्रक्चर कोड क्या होती है, उसकी टैग्स, ब्लॉक लेवल टैग्स, टेक्स्ट लेवल टेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रूल, और वेब पेज में हम कलर कैसे डालते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अभी शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, लिस्ट। इसमें हम लिस्ट क्या होता है वो देखते हैं। लिस्ट चार टाइप के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टिंग लिस्ट। मीन्स लिस्ट वो होता है कि हम यदि कुछ लाइन या कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं तो वो पॉइंट्स कैसे टाइप के लिस्ट पे आएगा। यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल दिए हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट में हम पॉइंट वाइज आ रहे हैं और ऑर्डर लिस्ट में हम 1 2 3 4 नंबर्स दे के डाल रहे हैं। तो हमारे पास चार टाइप के लिस्ट है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, डेफिनेशन एंड नेस्टिंग लिस्ट। तो हम देखते हैं पहले कि अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट में क्या होता है। अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट में हम यूएल का यूज करते हैं, यूएल टैग का यूज करते हैं, जिसका कि मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जो आइटम हम स्टार्ट करते हैं हमेशा उसको एलआई मींस एक लिस्ट बनाते हैं। हम किसी भी चीज का हम एक लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट के लिए हम एलआई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पहले हमने यूएल लिखा है, यूएल को स्टार्ट किया है, उसके बाद लिस्ट, हमको जिसी भी चीज की लिस्ट बनानी है हमने लिस्ट बनाया है, उसके बाद फिर हमने यूएल को क्लोज किया है। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स है कि अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या क्या डाल सकते हैं। डिस्क डाल सकते हैं, बुलेट फॉर्म पे आता है, सर्कल डाल सकते हैं, स्क्वायर डाल सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं। देन देखिए एग्जाम्पल ऑफ डिस्क में क्या होता है कि हम यूएल लिस्ट स्टाइल में टाइप में डिस्क डालते हैं, सर्कल में हम टाइप पे सर्कल डालते हैं। देन आफ्टर यदि हमको स्क्वायर, छोटे स्क्वायर बॉक्सेस लाने हैं तो हम उसके लिए टाइप में स्क्वायर डालेंगे। और हमको यदि कुछ नहीं चाहिए, नन चाहिए, तो हम नन लिखेंगे यूएल के स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप में। एंड फिर हमको जो भी लिस्ट लिखना है वो लिस्ट करके यूएल टैग को क्लोज कर देते हैं। देन आफ्टर वी सी व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम ओएल से डिफाइन करते हैं, ओएल टैग से। मीन्स अनऑर्डर लिस्ट को यूएल टैग से डिफाइन कर रहे थे, ऑर्डर लिस्ट को ओएल टैग से डिफाइन करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि यूएल की जगह ओएल आ रहा है और लिस्ट जैसे कि एलआई से हम यूज कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे, वैसे ही एलआई से लिस्ट बनाएंगे। इसके भी है, यदि हमको 1 2 3 4 के पॉइंट्स बनानी है तो हमको टाइप में 1 देना पड़ेगा। यदि हमको अप्पर केस कैरेक्टर लेना है ए, तो टाइप में हमको कैपिटल ए देना पड़ेगा। लोअर केस कैरेक्टर लेना है तो स्मॉल ए देना पड़ेगा। वैसे ही यदि हमको अप्पर केस में रोमन नंबर लेना है तो अप्पर केस के रोमन नंबर में 1 लिखेंगे, और यदि लोअर केस का रोमन नंबर देना है तो टाइप में आई लिखेंगे डबल क्वेट्स में। हियर आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ, यदि हमको नंबर देना है तो ओ एल टाइप 1, अपर केस देना है तो टाइप ए, लोअर केस देना है तो टाइप स्मॉल ए, रोमन नंबर अपर केस में देना है तो टाइप कैपिटल आई, और लोअर केस रोमन नंबर देना है तो कैपिटल ऑफ स्मॉल ऑफ आई हम देंगे। इससे हमारी लिस्ट डिफाइन हो जाएगी जैसे कि हम पॉइंट्स बनाना चाहते हैं। थर्ड आता है एचटीएमएल डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को हम डीएल से यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है इसे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हर जो भी हम सामान ले रहे हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कॉफी लेनी है तो कौन सी कॉफी लेनी है, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, तो उस चीज का हम एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन को डीडी से टैग करते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डीटी से करते हैं। मीन्स सबसे पहले डीएल आता है जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करती कि हमारी लिस्ट क्या है। उसके बाद आता है डीटी। डीटी टैग जो है हमको डिफाइन करता है नेम, हमको क्या चीज का चाहिए। जैसे कि हमको कॉफी चाहिए तो वो हमारा डीटी में आएगा, डिफाइन द टर्म। और उसके बाद डीडी मीन्स कॉफी के बारे में जो हमको डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करनी है उसको हम डीडी में करते हैं।
जैसे कि हमको मिल्क चाहिए तो वाइट कोल्ड मिल्क, कोल्ड मिल्क चाहिए या जो भी मिल्क चाहिए हम वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आफ्टर नेस्टेड HTML लिस्ट मीन्स यदि हमको लिस्ट के अंदर लिस्ट माने कुछ ऑर्डर्ड में चाहिए कुछ अनऑर्डर्ड में चाहिए तो उस चीज़ के लिए हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट यूज़ करते हैं। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया, फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट ले लिया। दो तीन लिस्ट यदि हमको एक साथ बनानी है उस चीज़ के लिए हमारा नेस्टिंग HTML लिस्ट यूज़ होता है। थैंक यू।